हाँ, तो कितने सरफेस दिख रहे हैं? थ्री सरफेसेस दिख रहे हैं। पहले बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, यूनिफॉर्म चार्ज वायर के कारण कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? आउटवर्ड, याद है ना, कॉम वाला बताए थे कि नहीं? कॉम का डंडा है, चारों तरफ से क्या है, लाइंस निकला हुआ है, वैसा ही होता है ना। कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होगा, होगा ना जी? हाँ, तो बताइए कैगो सरफेस लीजिएगा यहां पे? तीन। टॉप वाला को क्या ले लें? वन। इसको क्या ले लें, कर्व वाले को? इसको यहां पे एक एरिया ले लो छोटा सा डीए, इसको दो नंबर ले लो। अब फिर बॉटम वाले को, इसका एरिया किधर की तरफ?
इसका एरिया और इसका डीए है ना, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होगा, बताइए गॉस थ्योरम क्या होता है, बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट बराबर कैगो सरफेस यहां पे है, अलग अलग इंटीग्रेशन, तो यानी ई डॉट डी ए वन होगा पहले सरफेस वन के लिए, फिर प्लस ई डॉट डी ए टू सरफेस के लिए, फिर प्लस ई डॉट डी ए कौन सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए होगा जी, हाँ है ना, इज इक्वल टू कितना क्यू इन बटे, अब वन में ये है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे किधर की तरफ है, इधर की तरफ, और एरिया वेक्टर कितना डिग्री 90 डिग्री, यहां पे ई डॉट डी ए वन इंटू कॉस कितना प्लस ये सरफेस वन हो गया, टू के लिए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर कितना डिग्री, कर्व के लिए मिलेगा है ना, तो क्या लिखेगा यहां पे ई डॉट हाँ इंटू कॉस जीरो प्लस थर्ड के लिए बोलता हूं इसके लिए ई डॉट डी ए थ्री लिख दे और कितना कॉस बराबर अंदर में कितना चार्ज बंद है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का यूनिफॉर्म में कैसा लीनियर, तो कितना लंबा है ये इनफाइनाइट, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, क्यू इन इज इक्वल टू कैसे निकालते क्यू इन, सब कुछ भूल के बैठ जाओगे नहीं, अरे जब लेमडा डेंसिटी है और लेंथ एल है, अगर लीनियर है तो लेमडा एल, सरफेस है तो सिग्मा ए, और वॉल्यूमेट्रिक तो रो इन टू भी, कई बार बता चुके हैं यार, तो कितना अंदर चार्ज बंद है लेमडा इन टू अपटे में बटे में, ये जीरो हो गया, ये भी यही ना बचा, तो ये तो बाहर हो जाएगा क्योंकि ई निकालना है, तो ई बाहर, अंदर में क्या बचा डी ए, अब बराबर कितना, ये कौन सा एरिया है बताओ, ये टॉप का एरिया है कि बॉटम का एरिया, कर्व का एरिया है, कर्व का एरिया पूरा कितना होता है सिलेंडर का, बोलो 2 पाई आर इंटू एच, याद है ना 2 पाई आर इंटू, यहां पे कितना है एच के जगह पे एल है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, तो ई इंटू में बताओ 2 पाई आर इंटू एल, वेरी गुड, इधर में कितना कुछ कटा तो बताओ, एल से एल कट गया ना, तो ई की वैल्यू कितनी आई बताइए, यहां लेमडा डिवाइडेड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, हाँ है ना, तो आप जैसे मन चाहे वैसे निकाल सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है ना, इधर देखो और कुछ बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इधर देख सब लोग, अब इधर देख ले क्वेश्चन, क्वेश्चन तो डायरेक्ट काम आएगा, अलग बात है क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं बनाओगे है ना, अगर रेगुलर शेप है रे बाबू और एक अगर इरेगुलर शेप है, दोनों वर्ड को समझना ध्यान से, ओके क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर रेगुलर शेप है ठीक ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये मान ले कि शेप है रे बाबू, आ इसको हम देंगे कितना चार्ज दिए बताइए क्यू, आई रेडियस कितना है बताइए, तो
तो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रेगुलर शेप है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बउआ? क्यू बटा आई। इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए आप लोग, क्या आएगी जी? कांस्टेंट, वेरी गुड। अब देखिए अगर इरेगुलर शेप है जैसे कि ऐसे है, इस तरीके से है, ओके। अब इसको तुमने चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया बताइए? क्यू। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज डेंसिटी जो होगा रो जो होगा बउआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी होगा। आरसी क्या है बउआ? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको तो आप लोग समझते हैं, यही समझना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आप लोग बोलिएगा सर यहां से लेके यहां तक ना एक अलग स्फीयर का पार्ट है, हाँ या ना? सर ई जो है ना, ये कर्व जो है ना सर, एक अलग स्फीयर का पार्ट है, सही बोल रहा हूं मैं? यहां से जो यहां तक सर ये अलग स्फीयर का पार्ट है, और सबका रेडियस क्या है? अलग अलग है। मान ली इसका रेडियस है आर वन, इसका सेंटर किधर लाइक करेगा? नीचे इधर की ऊपर, हाँ वेरी गुड। इसका रेडियस कितना? इसका रेडियस सर सेंटर इधर का लगेगा, ये कितना रेडियस? इसका सेंटर बताइए आप लोग कितना रेडियस? बात समझ में आ गया कि नहीं? रेडियस किसका? कर्वेचर, कर्व का रेडियस। तो हर एक जगह कर्व अलग अलग रेडियस का है, यानी तुमको ये पता है ना, स्ट्रेट लाइन भी एगो स्फीयर का ही पार्ट होता है जिसका रेडियस क्या होता है? बहुत बहुत बड़ा होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एगो देखो इतना बड़ा सर्किल ड्रॉ करो, एगो इतना बड़ा सर्किल ड्रॉ करो, है ना, इतना बड़ा लंबाई इसमें ले लीजिए, देखिए हाथ से ऐसे देखिए, तो कैसा स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? बोलिए कर्व है। अब इतने लंबा देखिए यहां से उठे उठाते हैं ऐसे ले लेते हैं, अब बताइए ये क्या है? और बड़ा होता सर्किल तो पक्का मिलता स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या समझा? ये भी कर्व का पार्ट है कि नहीं है? लेकिन इस कर्व का रेडियस इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बोलता हूं तो पक्का इस स्ट्रेट लाइन को अगर मिला दें तो एक बहुत बड़ा कर्व बनेगा जिसका रेडियस बहुत बहुत, और उसमें स्ट्रेट लाइन मिल सकता है क्या? आप छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से लाइन सेगमेंट से मिला करके सर्किल बना सकते हैं? हाँ, इसलिए देखो ईंटा सीधा होता है, उसी ईंटा से सीधा दीवार भी लगता है, उसी ईंटा से डिजाइन भी बन जाता है कर्व, हाँ है ना? कैसे बनता है? उसको छोटा छोटा पार्ट को जोड़ देते थे, वो कर्व का क्रिएशन होता है कि नहीं होता है? तो फिर रेडियस का आकार ले लिया। तो दुनिया में कोई भी लाइन कर्व ही है, चाहे कर्व दिखे या स्ट्रेट लाइन दिखे, है वो क्या? कर्व। तो इसमें अलग अलग रेडियस से बना हुआ है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है कि रो जो है ना वेरिएबल होगा, हर जगह सेम। इसको अगर क्यू चार्ज देंगे तो हर जगह सिग्मा की वैल्यू बराबर नहीं होगी, तो कहां पे होगा ज्यादा डेंसिटी? तो डेंसिटी क्या किसके प्रोपोर्शनल है? वन बाई। इसका मतलब क्या कि अगर कर्वेचर ज्यादा तो रो की वैल्यू, और अगर कर्वेचर कम तो रो की वैल्यू। इसका मतलब यहां पे रेडियस का कर्वेचर ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो चार्ज दूर दूर रहेगा कि नजदीक नजदीक रहेगा? तो दूर दूर रहेगा चार्ज। और यहां पे चार्ज कैसा रहेगा? तो सिग्मा की वैल्यू कहां ज्यादा मिलेगी? और यहां पे क्लियर है ना? तो जब हमारा कोई इरेगुलर शेप है तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर इस पे हम चार्ज दे दिए तो अपने आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस पे, लेकिन किस तरह से होगा? तो जहां पे रेडियस कम है वहां पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी रहेगा, और जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे, क्लियर है? यहां पे हर जगह रेडियस क्या है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह क्या है? तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? आई इसमें क्लियर है? उतार लीजिए दोनों।
कल कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ाएंगे जी, जिसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ाएंगे, कैविटी प्रॉब्लम पढ़ाएंगे। तो कल थोड़ा सा, कल लास्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके। कल लास्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिर शुरू होगा कैपेसिटर। एनसीईआरटी में सेकेंड चैप्टर का ही पोर्शन है, ऐसे कंपटीशन के लिए अलग माना जाता है, ठीक है। तो कल कैपेसिटर से, परसों से कैपेसिटर शुरू होगा, फिर करंट। अब जल्दी ये हो जाएगा, ज़्यादा अब समय नहीं, बस हो गया मेन मुश्किल। अच्छा ये भी पढ़ाना है हमको, ग्रेविटेशन। बोले थे ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, तो ग्रेविटेशन भी अलग से लेंगे क्लास, एक एक क्लास, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन जल्दी हो जाएगा। मिटाएं, देखो तो बउआ लोग, अगर आप बोलेंगे, बताइए यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन लेता हूँ, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मुझे इतने ए बी सेक्शन के कारण कोई एरिया ले लिए डी ए, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए मेरे को आप। गॉसियन सरफेस लेंगे ना एक, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, चार्ज सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता रहे हैं तुमको ड्यू टू चार्ज सरफेस। देख लो, बोलोगे सर ये तो हमारा एलिमेंटल एरिया ले लिया डीए, अब इसको बंद कर दीजिए आप, एक गॉसियन सरफेस ले लिए। एक ऐसा सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, जो सही बना रहा हूं गलत बना रहा हूं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, सरफेस के अंदर होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, आइसोलेटेड है ना, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्यों, क्योंकि कोई भी फ्लक्स बाहर ही जाएगा, अंदर नहीं आएगा, ओके। तो देखिए तो वी कंसिडर एल, है ना, गॉसियन सरफेस ले लिए भाई, एलिमेंटल एरिया डी ए, है ना, एंड अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब आप लोग बताओ मेरे को, इस गॉसियन सरफेस का एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसमें कई गो सरफेस है, दो गो, तीन गो, है ना। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, इसको क्या मानूं, कर्व वाला को, नीचे फ्लैट वाला को, टॉप फ्लैट, बॉटम फ्लैट और कर्व सरफेस, ओके। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या बताए थे, ई डॉट बराबर में क्यू इन बाई, कोई दिक्कत है तो बताते जाना, नहीं ना। चलो इधर देखो, इसको लिखो इंटीग्रेशन ई डॉट वन के लिए ई डॉट डी ए प्लस में तीन, हो गया ना, हो टॉप फ्लैट कर्व और बॉटम फ्लैट बराबर, कितना चार्ज बंद है इसके अंदर, कितना एरिया बंद है डीए ना, कितना चार्ज है बताओ, क्यू कैसे निकालोगे, क्यू इन, यहां पे क्यू इन बताओ, क्यू इन, अरे डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का सिग्मा, तो क्यू इन कितना निकलेगा, तो वही तो लिख रहे थे भाई यहां पे, सॉरी सिग्मा इंटू डी ए,
अब बटा में, अब इधर देखो वन कहां पे है, अंतर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अरे बोलो भाई, तो जीरो इंटू कितना प्लस, यहां पे थीटा कितना डिग्री, अरे कर्व के लिए, कर्व के लिए एरिया वेक्टर, यहां पे तो एरिया वेक्टर किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक किधर की तरफ, कितना डिग्री, अरे कर्व के लिए, तो यहां पे E इंटू डी ए कॉस कितना डिग्री, अब प्लस इसके लिए बताओ, इसका एरिया वेक्टर बताओ, इसका एरिया वेक्टर डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हो कि नहीं, तो कितना E इंटू डी ए कॉस जीरो बराबर क्यू इन, क्यू इन कितना है, ये तो गया और ये भी, यानी कि ना अंदर वाले सरफेस के कारण होगा और ना कर्व के कारण होगा, सिर्फ कौन सा देगा फ्लक्स, बाहर वाला ना, तो ये E इंटू डी ए का इंटीग्रेशन बराबर, अब एक काम करो डीए का स्मॉल ही लिए हो तो रहने दो, ई इंटू कितना लिखोगे, ये डीए से डीए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन, तो अगर कोई भी एक क्लोज आइसोलेटेड सरफेस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज सरफेस है ना, इसे चार्ज आई क्लोज आइसोलेटेड सरफेस, क्लोज है आइसोलेटेड है, यानी अगल बगल और कोई चार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बउआ, मेटल प्लेट के बराबर है ना, यानी कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, उतार लीजिए, हाँ हाँ भाई सिग्मा भाई हम जनरल सरफेस लिए हैं, अब इसके लिए बता दिए सिग्मा कैसा होगा, अगर यूनिफॉर्म है तो सिग्मा कांस्टेंट होगा, अगर वेरिएबल है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्स, हाँ वो तो बताए हुए हैं सिग्मा कैसे निकालना है, हो गया, रहने देते हैं।